I'm Professor M. B. Chatterjee, welcome to you all in the 26th lecture of electrical measurements. So, my dear students, we have discussed about the maximum demand indicator in the last lecture, right? So, this is the maximum demand indicator, right? And also we have discussed about the power measurement by using single wattmeter, right? So, these two points we have discussed in the last lecture, right? So I have already told you that there are four types of the maximum demand indicator. First one is the recording demand indicator. Second one is the average demand indicator. Third one is the thermal type maximum demand indicator. And fourth one is the digital maximum demand indicator. In that we have discussed about the this average maximum demand indicator, that is merge price maximum demand indicator, right? Now in today's lecture we are going to discuss about the phase sequence indicator. So first of all we'll see the definition, right? So the instrument uses for determining the sequence of the three phase system is known as phase sequence indicator. Jo instrument hum three phase सिस्टम का सीक्वेंस डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, ठीक है। जे इंस्ट्रूमेंट अपन थ्री फेज सिस्टम का सीक्वेंस डिटरमाइन करण्यासाठी यूज करतो त्याला म्हणतो आपण फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। आपल्याला माहिती आहे आपल्याकडे सप्लाय सिस्टम नुसार दोन टाइप्स आहेत सिस्टमचे, त्यामध्ये पहिली आहे सिंगल फेज सप्लाय सिस्टम आणि दुसरी आहे आपली थ्री फेज सप्लाय सिस्टम, ठीक आहे। तर सिंगल फेज सप्लाय सिस्टम म्हणजे ज्याच्यामध्ये एक फेज असतो आणि एक न्यूट्रल वायर असतो, ठीक आहे, उसको बोलते हैं सिंगल फेज सिस्टम। और थ्री फेज सिस्टम क्या होता है कि जिसमें तीन फेजेस होते हैं आपके, और वो पर्टिकुलर फेज के लिए हमने एक पर्टिकुलर कलर कोड यूज किया होता है। वहां पे तीन कलर्स यूज होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। तो उसकी वजह से हमारे पास तीन फेजेस होते हैं, R, Y and B. R stands for red, Y stands for yellow and B stands for blue. ऐसे तीन फेजेस होते हैं उसमें। तो जिसमें तीन फेजेस होते हैं उसको बोलते हैं थ्री फेज सिस्टम, ठीक है। तो थ्री फेज सिस्टम में हमें सीक्वेंस डिटरमाइन करना बहुत ही जरूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम उसको ही बोलते हैं फेज सिक्वेंस इंडिकेटर, क्लियर है। Then the change in the sequence of the power supply changes the direction of rotation of the machine. अगर आपका phase sequence अपन change हो गया power supply का, ठीक है, the change in the sequence of the power supply changes the direction of rotation of the machine. अगर आपका power supply का sequence जो है phase sequence अगर change हो गया तो आपके जो machine है उसकी direction क्या होती है, change होती है, ठीक है, क्योंकि phase sequence पे ही आपके motor की direction डिपेंड होती है, ठीक है। अगर आप सपोज नॉर्मल फेज सीक्वेंस देते हो आर वाई बी तो आपकी मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होगी, और अगर आपका फेज सीक्वेंस वहां पे चेंज हो गया, सपोज आर वाई बी फेज सीक्वेंस दे दिया आपने, तो आपके मोटर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होगी। तो इसकी वजह से फेज सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, क्योंकि अगर फेज सीक्वेंस पावर सप्लाई का चेंज हो गया तो आपकी मोटर की जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पे चेंज होती है। तो बिकॉज ऑफ विच द एंटायर सप्लाई सिस्टम विल बी अफेक्टेड। तो इसकी वजह से आपकी जो एंटायर सप्लाई सिस्टम है उस पर अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, समझ लो। मैं काय सांगितलं, पॉइंट सेकंड पॉइंट इज हा फेज सिक्वेन्स जर चेंज झाला पॉवर सप्लायचा तर आपल्या मोटरची डायरेक्शन काय होत असते, चेंज होत असते। कारण नॉर्मल फेज सिक्वेन्स जर दिला आपण आर वाय बी मोटरला तर मोटरची डायरेक्शन ही क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये असतात, ठीक है। आणि सपोज जर आपण फेज सिक्वेन्स चेंज केला, आर वाय बी फेज सिक्वेन्स जर आर वाय बी च्या ऐवजी आपण सपोज वाय आर बी फेज सिक्वेन्स जर दिला तर काय होईल, मग आपली मोटर ही रिव्हर्स डायरेक्शन रोटेट होईल। त्यामुळे फेज सिक्वेन्स हा अतिशय महत्वाचा आहे इथं, राईट। आणि तो जर चेंज झाला तर आपल्या एंटायर सप्लाय सिस्टीमवर त्याचा नक्कीच अफेक्ट होणार आहे, ठीक आहे। देन फॉर द प्रॉपर कनेक्शन इट इज इसेन्शियल टू नो द सिक्वेन्स ऑफ द फेजेस। प्रॉपर कनेक्शन के लिए
आपको क्या करना होगा, फेजेस का जो सीक्वेंस है वो इसेंशियल होता है प्रॉपर कनेक्शन के लिए, विच कैन बी डन बाय यूज ऑफ द फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। ठीक है, और वो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर यूज करके हम वहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन देने के लिए हम वहाँ पे फेज सीक्वेंस इंडिकेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मोटर को आप नॉर्मल फेज सीक्वेंस दोगे तो ही आपकी मोटर क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होगी। ठीक है, अगर वहाँ का फेज सीक्वेंस रिवर्स हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी मोटर की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, तो इसकी वजह से आपको नॉर्मल फेज सीक्वेंस देना होता है मोटर को। तो प्रॉपर कनेक्शन के लिए आपको फेजेस का सीक्वेंस मालूम होना बहुत ही जरूरी होता है, और वो हम फेज सीक्वेंस इंडिकेटर यूज करके को प्रॉपर कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज फेज सीक्वेंस? द फेज सीक्वेंस इज द ऑर्डर ऑफ द फेजेस इन विच द पॉलीफेज सिस्टम अटेन्स देयर मैक्सिमम वैल्यू। फेज सीक्वेंस क्या होता है कि फेज सीक्वेंस ये एक ऑर्डर होती है आपके फेजेस की, ऑर्डर होती है आपके फेजेस की, जिसमें क्या होता है कि पॉलीफेज सिस्टम अटेन्स देयर मैक्सिमम वैल्यू। पॉलीफेज सिस्टम क्या करती है, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेज सीक्वेंस। तो फेज सीक्वेंस ये एक ऑर्डर होता है फेजेस का। ठीक है, फेज सीक्वेंस म्हणजे हा ऑर्डर असतो फेजेसचा, ज्याच्यामध्ये काय होतं की पॉलीफेज सिस्टीम त्याची मॅक्झिमम व्हॅल्यू अटेन करत असते। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये आहे, कंसिडर दी आर वाय बी आर दी थ्री फेजेस ऑफ दी सप्लाई सिस्टम। यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम आर वाय बी, ये तीन फेजेस है आपके सप्लाई सिस्टम के। सो द फेज एंगल बिटवीन द थ्री फेजेस कैन बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ फेजेस बाय 360। यहाँ पे फेज एंगल जो है आपके थ्री फेज सिस्टम में का, उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ फेजेस को 360 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। द फेज एंगल बिटवीन द थ्री फेज फेजेस कैन बी डिटरमाइन बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ फेजेस बाय 360 डिग्री। टोटल नंबर ऑफ फेजेस को क्या करना होगा, 360 से डिवाइड करना होगा आपको, तब हमें वहां पे फेज एंगल डिटरमाइन करने आता है थ्री फेज सप्लाई सिस्टम का। ठीक है, समझ लो टोटल नंबर ऑफ फेजेस का काय करायचे, 360 ना डिवाइड करायचे, तेव्हाच आपल्याला तिथला फेज अँगल जो आहे थ्री फेज सिस्टीम मधला तो आपल्याला डिटरमाइन करता येणार आहे। ठीक आहे, आणि इन थ्री फेज सिस्टीम द फेजेस आर स्प्लिट बाय अन अँगल ऑफ 120 डिग्री। थ्री फेज सिस्टीम मध्ये जे फेजेस स्प्लिट होतात, म्हणजे त्या फेजेस मधला जो फेज अँगल असतो आपला तो असतो 120 डिग्री प्रत्येक फेज मधला, म्हणजे आर वाय आणि बी मधला प्रत्येकी फेज अँगल किती असणार आहे आपला, 120 डिग्री। सो दी वेवफॉर्म्स फॉर दी थ्री फेजेस इज शोन इन दी फिगर बिलो। इथं एक फिगर दिलेली आहे, ज्यामध्ये वेवफॉर्म दिलेले आहे थ्री फेजेस। ठीक है, सो आर वाय बी ये आपके तीन फेजेस है यहाँ पे दिख रहा है आपको। आर है ये रेड कलर का वेवफॉर्म है, ये वाय है आपका वाय आर वाय एंड ये बी कलर का बी फेज का वेवफॉर्म। ठीक है, तो इसमें आपको एंगल दिख रहा है यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे 120 का एंगल है आपका और यहाँ पे 240 का एंगल है। ठीक है, तो जो नॉर्मल फेज सीक्वेंस है आपका आर वाई बी, ठीक है, ये तीनों फेज जो है उसमें जो फेज एंगल होता है आपकी वो कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों जो फेजेस है उसके लिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन, वी आर इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। वी आर इज दी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस आर फेज। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू वी एम, वी एम यानी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वहां के वोल्टेज की, साइन ऑफ ओमेगा टी। देन वी वाई इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस, अभी ये दोनों में फेज एंगल कितना होगा आपका, 120 डिग्री, तो यहाँ पे आपका फेज एंगल लिया है 120 डिग्री, सो ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। और थर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, वी बी इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। अभी ये आर एंड बी में फेज सिक्वेंस कितना रहेगा आपका, फिर से 120, और वाई और बी में भी फेज सिक्वेंस कितना रहेगा आपका, 120। ठीक है, तो माइनस 120 माइनस 120 कितना होता है, ये माइनस 240।
ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी वी वाई में एंगल कितना है आपका, -120 है, और वी वाई और वी बी में फिर से वो 120 का फेज सिक्वेंस आना चाहिए, फेज एंगल आना चाहिए, तो ये ऑलरेडी -120 है, और उसमें फिर से -120 अपन ऐड करेंगे तो कितना भी बन जाएगा वहाँ का फेज एंगल, -240। क्लियर है? तो ये तीन फेजेस के लिए तीन वोल्टेजेस के इक्वेशन है। ठीक, नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ फेज सिक्वेंस इंडिकेटर। यहाँ पे फेज सिक्वेंस इंडिकेटर के हम टाइप देखेंगे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ द फेज सिक्वेंस इंडिकेटर, फर्स्ट वन इज द रोटेटिंग टाइप एंड सेकंड वन इज द स्टैटिक टाइप। तो इसके नाम में ही उसका मीनिंग रहेगा, रोटेटिंग टाइप और स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, ठीक है, और रोटेटिंग मीन्स वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो पहला देखेंगे हम रोटेटिंग टाइप फेज सिक्वेंस इंडिकेटर। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, द रोटेटिंग टाइप फेज सिक्वेंस इंडिकेटर्स शो द डायरेक्शन ऑफ द फेज सिक्वेंस बाय रोटेटिंग द डिस्क प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। रोटेटिंग टाइप फेज सिक्वेंस इंडिकेटर में ये क्या करता है, वहाँ के फेज सिक्वेंस की जो डायरेक्शन है वो शो करता है। कैसे शो करता है, बाय रोटेटिंग द डिस्क बिटवीन प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एक डिस्क वहां पे प्लेस की होती है सेंटर में इंस्ट्रूमेंट के, और वो डिस्क जब रोटेट होती है तब तो आपको वहां पे जो डायरेक्शन है फेज सिक्वेंस की वो वहां पे शो होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसकी डायग्राम देखो, ये तीन फेजेस है आपके आर वाई बी, और यहाँ पे ये डिस्क है आपकी। ठीक है, तो ये जब डिस्क आपकी रोटेट होगी तब तो वहां पे आपको ये यहाँ पे फेज सिक्वेंस वहां पे शो करेगा। ठीक है, शो दी रोटेटिंग टाइप फेज सिक्वेंस इंडिकेटर शो दी डायरेक्शन ऑफ दी फेज सिक्वेंस बाय रोटेटिंग द डिस्क प्लेस्ड एट दी सेंटर ऑफ दी इंस्ट्रूमेंट। रोटेटिंग टाइपच्या फेज सिक्वेंस इंडिकेटर मध्ये फेज सिक्वेंसची डायरेक्शन तिथे शो केली जाते। कशी शो केली जाते, तर तिथे एक रोटेटिंग डिस्क प्लेस केलेली असते इंस्ट्रूमेंटच्या एक्झॅक्टली सेंटर मध्ये। ठीक आहे, इथे सेंटरला ही डिस्क दाखवलेली। क्लिअर आहे? एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट हॅज थ्री टर्मिनल्स विच आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द मेजर डिव्हायसेस। त्याला तीन टर्मिनल्स असतात आणि ते तीन टर्मिनल्स आपण मेजर अँड डिव्हायसेसच्या टर्मिनल्सला कनेक्ट केलेले असतात। ठीक आहे, इसको तीन टर्मिनल्स होते हैं और वो तीन टर्मिनल्स इसको कनेक्ट किए होते हैं, मेजर मेजर अँड डिव्हायसेस के टर्मिनल्स को कनेक्ट किए होते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग फेज सिक्वेंस इंडिकेटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इंडक्शन मोटर। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है रोटेटिंग फेज सिक्वेंस इंडिकेटर का वो सिमिलर है आपके इंडक्शन मोटर जैसा प्रिंसिपल है यहाँ पे। सो द कॉइल्स ऑफ इंडक्शन मोटर आर स्टार कनेक्टेड। जो कॉइल्स होते हैं इंडक्शन मोटर के वो स्टार कनेक्टेड होते हैं। द फेज सिक्वेंस ऑफ द पावर सप्लाई इज आर वाई। वहाँ पे फेज सिक्वेंस क्या रहेगा आपका, आर वाई भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि कॉइल जो है इंडक्शन मोटर की यानी वाइंडिंग जो है वो स्टार में कनेक्ट की होती है, और उसकी वजह से जो फेज सिक्वेंस रहेगा आपका पावर सप्लाई का वो रहेगा आपका आर वाई भी। ठीक है, अभी स्टार कनेक्शन तो मालूम है आपको क्या होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द सप्लाई इज गिवन टू द मोटर कॉइल्स, जब हम सप्लाई देते हैं मोटर कॉइल्स को यानी मोटर वाइंडिंग्स को, देन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इंड्यूस इन द कॉइल्स। अब वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इंड्यूस होते हैं कॉइल्स। ठीक है, जब आपण सप्लाय देतो मोटरच्या वाइंडिंगला किंवा कॉइल्सला तेव्हा रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड तिथे इंड्यूस होत असते तिथल्या वाइंडिंग मध्ये किंवा तिथल्या कॉइल्स मध्ये। सो दिस रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड इंड्युसेस द EDEMF इन द ॲल्युमिनियम डिस्क। आणि त्या रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डमुळं तिथं EDEMF इंड्यूस होत असतं तिथल्या ॲल्युमिनियम डिस्कमध्ये। ठीक आहे, या ॲल्युमिनियम डिस्कमध्ये काय होतं, तिथं EDEMF इंड्यूस होत असतं। सो द EDEMF कॉजेस द ईडी करंट इन द डिस्क। आता या EDEMFमुळं या ईडी डिस्कमधून काय होईल, करंट फ्लो होईल आपला ईडी करंट। ठीक आहे, या EDEMFमुळे ईडी करंट फ्लो होईल आपल्या डिस्कमधून। ठीक आहे, सो द इंटरॅक्शन ऑफ दिस ईडी करंट अँड द रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्युसेस द टॉर्क। और वहां पे जो इंटरेक्शन होता है ईडी करंट और वहां के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, उस इंटरेक्शन की वजह से वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ विच द डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग। और वो टॉर्क की वजह से आपका डिस्क क्या होता है, रोटेट होता है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द डिस्क शोज द फेज सिक्वेंस ऑफ द सप्लाई सिस्टम। जो डायरेक्शन है आपकी डिस्क की वो क्या शो करेगी आपके, फेज सिक्वेंस शो करेगी सप्लाई सिस्टम की। ठीक है, सो इफ द डिस्क रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आपकी डिस्क ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रही है
देन द फेज सिक्वेंस इज आर वाई बी। तब आपको यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि वो फेज सिक्वेंस क्या है आपका आर वाई बी, जब डिस्क क्या होगी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होगी, ठीक है। एंड द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क इज बिकॉज ऑफ द रिवर्स फेज सिक्वेंस। अगर रिवर्स फेज सिक्वेंस मिल गए आपको डिस्क को तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये एल्यूमिनियम डिस्क क्या होगी आपकी रोटेट होगी, ठीक है। समझ लो कि जर डिस्क आपली रोटेट झाली क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना तर फेज सिक्वेन्स आपला नॉर्मल असणार आहे आर वाय बी, आणि जर अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना जर अॅल्युमिनियम डिस्क रोटेट झाली तर याचा अर्थ आहे की तिथला फेज सिक्वेन्स काय झाला आपला रिव्हर्स झाला, ठीक आहे। समजलं का? अशा प्रकारे आपल्याला तिथला फेज सिक्वेन्स इंडिकेट होतो आणि म्हणूनच त्याला नाव दिलेलं आहे रोटेटिंग टाईप फेज सिक्वेन्स इंडिकेट, क्लिअर आहे। देन उसमें का सेकंड टाइप है आपका स्टैटिक टाइप फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। स्टैटिक मीन स्टेशनरी, ठीक है। तो यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, ये आर फेज किया है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। इसमें एक लैंप कनेक्टेड किया है, लैंप वन आर फेज में, वाई फेज में आपका लैंप टू कनेक्टेड है और यहाँ पे इंडक्टर कनेक्टेड है आपके बी फेज में। यहाँ पे दूसरे डायग्राम में क्या हो रहा है देखो, फेज सिक्वेंस चेंज किया है यहाँ पे आर, ये वाई और ये बी है। अभी यहाँ पे डार्क लैंप यहाँ पे आर फेज में कनेक्टेड था और ब्राइट लैंप यहाँ पे वाई फेज में कनेक्टेड था। तो यहाँ पे ब्राइट लैंप यानी लैंप वन आपका आर फेज में कनेक्टेड है और डार्क लैंप आपका लैंप टू में कनेक्ट, यानी आपका डार्क लैंप यानी आपका लैंप टू वाई फेज में कनेक्टेड है और आपके बी फेज में इंडक्टर कनेक्टेड, ठीक है। ये दोनों डायग्राम में ये डिफरेंस है, ठीक है। समजला डिफरन्स? इथं ब्लॅक कलरचा जो लॅम्प वन आहे तो आर फेज मध्ये आहे आणि ब्राईट कलरचा जो लॅम्प आहे लॅम्प टू तो वाय फेज मध्ये कनेक्टेड आहे, इंडक्टर इथं बी फेज मध्ये कनेक्टेड आहे। या डायग्राम मध्ये काय झालं, परत आर फेज मध्ये ब्राईट लॅम्प लॅम्प वन इथं कनेक्टेड आहे आर फेज मध्ये, डार्क लॅम्प लॅम्प टू वाय फेज मध्ये कनेक्टेड आहे आणि हा इंडक्टर बी फेज मध्ये कनेक्टेड आहे, क्लिअर आहे। हा दोन डायग्राम मधला डिफरन्स आहे, ठीक आहे। म्हणजे इथं आपण प्रॉपर फेज सिक्वेन्स दिला इथं आणि इथं काय झालंय फेज सिक्वेन्स चेंज केला आपण, क्लिअर आहे। सो इट कन्सिस्ट ऑफ टू लॅम्प्स, याच्यामध्ये दोन लॅम्प्स आहे दिसत आहेत तुम्हाला अँड वन इंडक्टर, एक इंडक्टर आहे दोन्ही डायग्राम मध्ये। कनेक्ट टू लॅम्प्स, इथं दोन लॅम्प्स कनेक्ट करायचे आहेत, लॅम्प वन टू आर फेज, लॅम्प वन टू आर फेज, लॅम्प टू वाय फेज, लॅम्प टू टू वाय फेज, ठीक आहे। लॅम्प वन हा आर फेज ला कनेक्ट करायचा आहे आणि लॅम्प टू हा वाय फेज ला कनेक्टेड करायचा आहे अँड इंडक्टर टू द बी फेज आणि इंडक्टर आपल्याला बी फेज ला कनेक्ट करायचा, क्लिअर आहे। नाऊ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज विथ द लॅम्प्स फॉर प्रोटेक्टिंग द लॅम्प्स। वहां पे रजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं आपको सीरीज में लैम्प्स के, ताकि वो लैम्प्स को क्या करे, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, फ्रॉम ओवर करंट्स एंड ब्रेकडाउन वोल्टेजेस। ओवर करंट से और ब्रेकडाउन वोल्टेजेस के वोल्टेजेस से आपके लैंप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करने हैं, रेजिस्टेंस वहां पे सीरीज में लैंप्स के कनेक्ट करने हैं, ठीक है। समझ लो कि ओवर करंट एंड ब्रेकडाउन वोल्टेजेस पासून लैंप्स ला प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपण लैंप्स च्या सीरीज मध्ये काय केलेले आहे, तिथं रेजिस्टर्स कनेक्ट केलेले, ठीक, समझ लो। देन नेक्स्ट पॉइंट दिला आहे, इफ द फेज सिक्वेन्स ऑफ द सप्लाय इज आर वाय बी, जेव्हा आपला फेज सिक्वेन्स हा आर वाय बी असणार आहे म्हणजेच नॉर्मल फेज सिक्वेन्स असणार आहे, देन द लॅम्प टू विल ग्लो ब्राइटर। लॅम्प टू काय झाला आपला, ब्राइटर न ग्लो झाला, ठीक आहे, म्हणजे याचा प्रकाश जास्त पडणार आहे लॅम्प टूचा आणि याचा प्रकाश काय होणार आहे आपल्याला, कमी पडणार आहे, ठीक आहे। इफ द फेज सिक्वेन्स ऑफ द सप्लाय इज आर वाय बी, तेव्हा फेज सिक्वेन्स आपला सप्लायचा आर वाय बी असणार आहे, तेव्हा लॅम्प टू काय झाला आपला, ब्राइटर ग्लो झाला दॅन द लॅम्प वन, ठीक आहे। लॅम्प वन पेक्षा लॅम्प टू काय झाला, ब्राइटर ग्लो झाला। म्हणून इथं दाखवलेले हा डार्क कलर झाला, ब्लॅक कलर दाखवला लॅम्प वन, ठीक आहे, आणि हा ब्राईट कलरचा लॅम्प टू दाखवलेला आहे, कारण याचा ग्लो जास्त पडणार आहे लॅम्प टूचा आणि याचा ग्लो हा कमी पडणार आहे, ठीक आहे। कशामुळं, कारण नॉर्मल फेज सिक्वेन्स आपला त्यावेळेस आर वाय बी, ठीक आहे, आर वाय बी अगर फेज सिक्वेन्स है तो यहाँ पे लैम्प वन आपका कम ग्लो करेगा और लैम्प टू आपका ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, ब्राइटर ग्लो करेगा क्योंकि नॉर्मल फेज सिक्वेंस है, ठीक है।
अभी सेकंड डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? सेकंड डायग्राम में हमने फेज सीक्वेंस चेंज किया है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, इफ द फेज सीक्वेंस ऑफ द सप्लाई इज रिवर्स, अगर आपका फेज सीक्वेंस अगर सप्लाई का रिवर्स हो गया और अल्टर्ड हो गया, ठीक है, फेज फेज सीक्वेंस जो है आपका सप्लाई का वो अगर रिवर्स हो गया या फिर अल्टर्ड हो गया, देन द लैम्प विल ग्लो ब्राइट, लैम्प वन विल ग्लो ब्राइटर देन द लैम्प टू। लैम्प वन क्या होगा? ब्राइटर ग्लोब होगा लैम्प टू से, ठीक है? लैम्प टू से आपका लैम्प वन क्या हो जाएगा? ब्राइटर ग्लोब हो जाएगा। समझ लो, फेज सीक्वेंस जो आपका रिवर्स हुई कि वहाँ अल्टर्ड हुई, तो वहाँ लैम्प वन हा जास्त ग्लो हुई, ब्राइटर न जास्त ब्राइटर न ग्लो हुई लैम्प टू पेक्षा। म्हणून इथं डायग्राम मध्ये तुम्हाला दाखवलंय, लॅम्प वन हा ब्राईट दाखवला इथं आणि लॅम्प टू हा डार्क डार्क दाखवला, ठीक आहे? समझ में आया? तो ये दोनों में डिफरेंस है आपके। ये है आपका स्टैटिक टाइप का फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, ठीक है? ये दो टाइप्स है आपके फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, ठीक है? एक है आपका रोटेटिंग टाइप का फेज सीक्वेंस इंडिकेटर और दूसरा है आपका स्टैटिक टाइप का फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, ठीक है? समझ में आया? तो ये दो टाइप्स हैं यहाँ पे, क्लियर है? इसमें कुछ डाउट आज के पॉइंट में, ठीक है? अगर ये दो पॉइंट में आज के किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर अगेन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।